قرآن همارا همارا دنيا أبنى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله हाँ बच्चों, और एक बार फिर प्रोग्राम हाँ लेकर बच्चे और जी इसमें हम भाई से किसी टॉपिक पर स्टोरी सुनते हैं सवाल भी करते हैं जवाब भी लेते हैं और तिलावत कुरान पाक को भी शामिल करते हैं लेकिन सबसे पहले दुरुलत को सुन लेते हैं हमारे पर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मुझ पर दिन भर में एक हजार बार पढ़ा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تابعوني فتبعوني فتتابعوني يحببكم الله يحببكم الله

इतहात की क्या मायने हैं इतात का क्या मतलब है आप ये इर्शाद फरमाए फिर हम इसके बाद आपसे स्टोरी भी सुनेंगे बेटा इतात का मतलब होता है बात को मानना किसी की बात को मानना, मानना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सतात का मतलब ये है कि प्यारे नबी जिन बातों का हमें हुक्म दिया है उन बातों को मानना और जिन बातों से मना किया है उन बातों से रुक जाना वो काम ना करना ये क्या है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत तो आज हमारा यही टॉपिक है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हमने कैसे इताअत करनी है हमारे सहाबाए कराम अली मरिदवान जो थे वो प्यारे आका सलाम की कैसे इताअत किया करते थे कैसे बात मानते थे तो इंशाल्लाह इसी के बारे में आज हम आपको स्टोरी भी सुनाएंगे और इससे अगर आप जो सवाल करना चाहेंगे तो आप सवाल कीजिएगा तो इंशाल्लाह फिर हम उन सवाल के आपको जवाब भी देंगे अच्छा राशिद भाई आज आप हमें और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन को कौन सी स्टोरी सुनाने वाले हैं आज बेटा जो स्टोरी मैं सुनाऊंगा वो स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की स्टोरी है हमारे जो साहब राम थे प्यारे नबी स बहुत ज़्यादा महब्बत किया करते प्यारे आका सलाम की हर बात को मानते थे प्यारे बच्चों आपको एक मैं मसला बयान करूं कि मर्दों के लिए गोल्ड की रिंग पहनना सोने की अंगूठी पहनना यह जायज़ नहीं होता ठीक है औरतें पहन सकती हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा देखा कि आपके एक सहाबी ने सोने की अंगूठी पहनी हुई थी गोल्ड की रिंग उसने पहनी हुई थी प्यारे नबी जब उसे देखा तो आपने उसके हाथ से वो रिंग उतारी और उतार कर फेंक दी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने उसके बाद इरशाद फरमाया क्या तुम में से कोई भी ये पसंद करेगा कि उसके हाथ पर आग का अंगारा रखा जाए यानी जलता हुआ कोयला जो होता है क्या वो पसंद करेगा कि हाँ उसके हाथ में ये रखा जाए प्यारे बच्चों हमारे प्यारे नबी जब वहाँ से चले गए ना तो उसके बाद दूसरे जो सहाब किराम थे उन्होंने उस शख़्स से फ़रमाया कि भई अपनी सोने की अंगूठी उठा लो और किसी को दे देना उन्होंने कहा कि नहीं प्यारे नबी अलैहि ने मेरे हाथ से गोल्ड की रिंग उतार कर फेंक दी है अब मैं कभी भी उसे नहीं उठाऊंगा प्यारे बच्चों आप देखिए हमारे जो साहबे की राम थे प्यारे नबी अलैहि वल्लम से कितनी महब्बत किया करते थे कि प्यारे नबी सल्ला वल् ने गोल्ड की जो रिंग थी सोने की अंगूठी फेंकी हालाँकि चाहते तो उठा लेते उठाकर अपनी वाइफ को दे देते अपनी बेटी को दे देते या अपनी सिस्टर को दे देते या बेच कर अपने इस्तेमाल में ले आते लेकिन वो इतनी मोहब्बत करते थे कि उन्होंने इस बात को पसंद नहीं किया कि जिस चीज़ को प्यारे नबी अलैहि ने फेंक दिया है मैं उसे उठाऊँ तो ये हमारे साहब राम की प्यारे नबी सें से मोहब्बत भी थी और इतात भी थी कैसी बात मानते थे कि प्यारे नबी ने मना कर दिया कि सोने की अंगूठी नहीं पहननी तो अब मुझे भी नहीं पहननी तो प्यारे बच्चों इसमें आपके सीखने के लिए भी ये बात है कि देखिए बाजूकत ऐसा होता है जैसे सिस्टर की छोटी सी अंगूठी होती है तो बच्चे अपने हाथ में पहन लेते हैं यह अम्मी अब बाजूक़ात छोटे बच्चों के हाथ में पहना देते हैं तो आपने भी नहीं पहननी अपनी अम्मी अबू को बताना है कि हमने मदनी चैनल पर भी ये सुना है और ये मसला सुना है कि बच्चे भी जो लड़के हैं वो सोने की अंगूठियां नहीं, नहीं, नहीं पहनते इसी तरह बच्चियों को पहनाई जा सकती है और आप लोगों ने भी अपनी छोटी बहन की अंगूठी को नहीं पहनना ठीक है प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अली व आलिहि वसल्लम की इताअत करना ज़रूरी है जी बेटा हर मुसलमान पर लाजिम है ज़रूरी है कि वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माने आपकी इताअत करे जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं आपकी बात मानते हैं दुनिया में भी वो कामयाब होते हैं लोग भी उनको अच्छा समझते हैं कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला है अच्छा मुसलमान होता है प्यारे बच्चों अगर हम अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारें जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने हमें ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया है लाइफ स्टाइल जैसा बनाने का हमें हुक्म दिया है अगर ऐसा लाइफ स्टाइल हम बना लेते हैं ना तो यकीन जानिए अल्लाह पाक भी इससे राज़ी होगा प्यारे नबी वसल्लम भी राज़ी होंगे और लोग भी हमारी इज़्ज़त करेंगे हमारा अहतराम करेंगे तो प्यारे नबी अलैहि वसल्लम की इतात करना आपकी बात मानना हर एक के लिए ज़रूरी है अल्लाह पाक कुरान पाक में इशात फरमाता है वा इन और अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो अगर ईमान रखते हो तो प्यारे बच्चों पता चला कि जो ईमान वाला है जो मुसलमान है उसके लिए ज़रूरी है कि वो अल्लाह की इतात भी करे और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतात भी करे प्यारे बच्चों अगर आप राशिद भाई से इस टॉपिक पर कोई सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अच्छा राशिद भाई मेरा आपसे ये सवाल है अगर हमारे प्यारे आका सल्ल वसल्लम की हम इतात करेंगे तो क्या अल्लाह पाक की भी इतात होगी माशाल्लाह बेटा बहुत अच्छा आपने सवाल किया है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने से अल्लाह पाक की इताअत भी हो जाती है राशिद भाई ये कैसे वो बेटा इस तरह के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने का हुक्म किसने दिया है अल्लाह पाक ने दिया है ना तो अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो तो अब जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा तो उसने अल्लाह पाक की भी इताअत की ना सेकंड बात प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को अल्लाह पाक ने अपनी इताअत बयान फरमाया अल्लाह पाक कुरान पाक में प्यारे बच्चों इरशाद फरमाता है मई रसूला फ़कद अल्लाह जिसने रसूल का हुक्म माना उसने अल्लाह का हुक्म माना तो प्यारे बच्चों पता चला जो बंदा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानता है वो दर हकीकत अल्लाह पाक की इताअत करता है अल्लाह पाक का हुक्म मानता है क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि जो कुछ भी इरशाद फरमाते हैं अपनी मर्जी से नहीं कहते बल्कि आप वही बात इरशाद फरमाते हैं जिसका अल्लाह पाक की तरफ से आपको हुक्म दिया जाता है या जो आपकी तरफ वही की जाती है अल्लाह पाक कुरान पाक में इर्शात फरमाता है वमा अनिल हवा इन इल्ला और वो कोई बात ख्वाहिश से नहीं कहते वो वही ही होती है जो उन्हें की जाती है वो। राशिद भाई हमें दुनिया में अपना रोल मॉडल किसे बनाना चाहिए बेटा सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि दुनिया में जितने भी लोग आए हैं जितने भी लोग आए हैं सबसे ज़्यादा अच्छे इंसान सबसे ज़्यादा अच्छे अखलाक वाले सबसे ज़्यादा जिसकी ज़िंदगी बहुत प्यारी थी वो कौन है हमारे हमारे आगा आगा सुवें। सुवें। वा प्यारे बच्चों हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के सबसे ज़्यादा प्यारे भी हैं और आपकी मुबारक ज़िंदगी जो है सबसे ज़्यादा खूबसूरत है अगर कोई शख्स दुनिया में अपना रोल मॉडल बनाना चाहता है तो उसे चाहिए कि प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाए आपने जो सवाल किया हम दुनिया में किसे अपना रोल मॉडल बनाएं तो प्यारे बच्चों प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रोल मॉडल बनाना है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमने पढ़ना है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में पढ़ना है प्यारे आका वसल्लम कैसे खाते थे कैसे चलते थे कैसे बात किया करते थे आप बड़ों का किस तरह अदब करते थे छोटों पर कैसी शफकत किया करते थे आप कुरान पाक किस तरह पढ़ते थे नमाज कैसे पढ़ते थे इस तरह बहुत सारी प्यारे बच्चों हमारी ज़िंदगी की ऐसी बातें हैं कि अगर हम उन बातों को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को देख कर अगर हम अपनाएँगे तो इन श्ला दुनिया भी अच्छी होगी आखिरत भी अच्छी होगी अल्लाह पाक ने कुरान पाक में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को आपके लाइफ स्टाइल को इस तरह बयान फरमाया लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना मौजूद है मतलब क्या है मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी तुम्हारे लिए रोल मॉडल हैं तो हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना है यानी जिन बातों को करने का जिन तरीक़ों को इख्तियार करने का प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है और जैसा लाइफ स्टाइल आपका था तो हमने वैसे ज़िंदगी गुजारनी है इनशाला इससे अल्लाह पाक भी राज़ी अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राज़ी और लोग भी इन इससे हमें अच्छा समझेंगे अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं अल्लाह हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स

प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताद करने से आपकी बात मानने से आपकी सुन्नतों पर अमल करने से बंदा अल्लाह पाक का महबूब हो जाता है अल्लाह पाक का पसंदीदा बंदा बन जाता है प्यारे बच्चों हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में भी कुछ लोग ऐसे थे जो ये कहा करते थे कि हम अल्लाह पाक के पसंदीदा बंदे हैं हम अल्लाह पाक के महबूब हैं तो अल्लाह पाक ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत करीमा नाजिल फ़रमाई और उसमें ये इशात फरमाया कि कुल कुल तुम तो अल्लाह तबनी ए महबूब तुम फरमाओ के लोगों अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरे फर्मा बरदार हो जाओब अल्लाह दोस्त रखेगा और, तुम्हारे गुनाह देगा। और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है तो प्यारे बच्चों पता चला जो प्यारे आका सल्लासम की इतात करता है नंबर एक वो अल्लाह पाक का दोस्त बन जाता है अल्लाह पाक का महबूब बन जाता है नंबर टू अल्लाह पाक उस बंदे के गुनाहों को बख्श देता है प्यारे बच्चों एक और फायदा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि की इताअत करने का प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि की सुन्नतों पर अमल करने का एक और फायदा वो ये है कि जो बंदा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करता है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे को जन्नत में अपने साथ रखेंगे सुभान प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन अहब्बा सुन्नती फकद अहबनी वमन अहबनी काना मअया फिल्जन्ना जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा तो प्यारे बच्चों प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत भी करनी है सुन्नतों पर अमल भी करना है अल्लाह पाक के भी हम महबूब बनेंगे और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में भी दाखिल होंगे

कई जगह कुरान में पढ़ा है आम अनु या आम आमनु राशिद भाई पूछना यह था कि इसका मतलब क्या है बेटा आम अनु का मतलब है ईमान वाले क्या मतलब है ईमान वाले अच्छा ईमान वाले कौन होते हैं मुसलमान मुसलमान होता है जो अल्लाह पर भी ईमान रखता है प्यारे आकाश वसल्लम पर भी ईमान रखता है जो जन्नत और दोजक पर भी ईमान रखता है जो फरिश्तों पर भी ईमान रखता है कि ये भी अल्लाह पाक की मखलूक हैं। तो प्यारे बच्चों जहाँ पर भी अल्लाह पाक ने फरमाया या आ मनू ए ईमान वालों यानी ए मुसलमानों तो वहाँ पर अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ मुसलमानों को अहकाम दिए हैं ठीक है ना तो प्यारे बच्चों मुसलमान जो है साहिब ईमान जो है ईमान वाला जो है ना तो जब ये नेक काम करता है अल्लाह रसूल की बात को मानता है तो इसके गुनाह भी बख्श दिए जाते हैं अल्लाह पाक की तरफ से इसे बहुत सारा सवाब भी मिलता है और अल्लाह पाक की तरफ से इसे जन्नत में दाखिला भी मिलता है प्यारे बच्चों जो ईमान वाले हैं इन ये जन्नत में ज़रूर जाएंगे अल्लाह पाक कुरान पाक में इर्शात फरमाता है वाहीन आनुमिल

अच्छा भाई इसका मतलब क्या है बेटा असहाब तो साहिब की जमा है और असहाब कहते हैं वाले ठीक है और जहीम ये जहन्नम का एक नाम है असहाबुल जहीम का मतलब है जहन्नम वाले दोजख वाले ठीक है अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं अल्लाह में जहन्नम से महफूज रखे प्यारे बच्चों जिस तरह मैंने अभी बयान किया कि जो ईमान वाले हैं जो मुसलमान हैं ये कहाँ जाएंगे जन्नत में।, जन्नत में जन्नत में और जो गैर मुस्लिम है जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी नहीं मानते ये कहाँ जाएंगे जहन्नम में जहन्नम में दो जख्म में जाएंगे ठीक है ना तो जो ईमान वाले वो जन्नत में जाएंगे और जो गैर मुस्लिम है जो ईमान वाले नहीं हैं वो जहन्नम में जाएंगे हाँ अगर वो तोबा कर लेते हैं और सच्चे दिल से मुसलमान हो जाते हैं तो इन भी फिर जन्नत में चले जाएंगे अल्लाह पाक प्यारे बच्चों कुरान पाक में इशात फरमाता है वल्लीन का फ़रू कदू बतना काबुलजहिम और वो जिन्होंने कुफर किया और हमारी आयतें जुटलाईं वही दो वाले हैं अल्लाह पाक हमें दोजक से महफूज फ़रमाए जहन्नम से अल्लाह पाक हमें महफूज फरमाए आमीन। रशिद भाई जहन्नम के अज़ाब से बचने की कोई दुआ भी बता दें ताकि बच्चे याद कर लें बच्चे भी याद कर लें बड़े भी याद कर लें प्यारे बच्चों हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे अल्लाज अल्ला इसका मतलब है अल्लाह मुझे आग से बचा यानी जहन्नम की आग से नजात दे जहन्नम की आग से बचा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो है ही जन्नती जन्नत इन्हीं के लिए बनी है ये प्यारे बच्चों हमारी तालीम के लिए है कि हम अल्लाह पाक से इस तरह दुआ किया करें और जो दुआ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की अगर वही दुआ हम भी करेंगे तो इनशा वो दुआ कबूल होगी और हमारा भी बेड़ा पार होगा आला। आला। भाई तीसरा और आखिरी लफ्ज है हलालन भाई इस लव का मतलब क्या हलाल तयीबा का मतलब बेटा है पाकिजा रिस्क हलाल तो हलाल होता है जैसे ठीक है और तयब का मतलब होता है पाकिज़ा तो प्यारे बच्चों जो रिसके हलाल खाता है हराम से बचता है वो अल्लाह पाक का प्यारा बनता है और जो हराम खाता है किसी को तकलीफ़ देता है किसी से छीन कर माल खाता है तो वो अल्लाह पाक के गजब का शिकार होता है अल्लाह पाक उससे नाराज़ होता है अल्लाह पाक ने ईमान वालों को सब को यह हु दिया है कि वो रज्के हलाल खाएँ पाकिज़ा जो रिस्क अल्लाह पाक ने उनके मुकद्दर में लिखा है उसके लिए मेहनत करें और वो खाएँ हराम से बचें अल्लाह पाक कुरान पाक में इशात फरमाता है मिम्मा हलालन और खाओ जो कुछ तुम्हें अल्लाह ने रोज़ी दी हलाल पाकिज़ा वही और डरो अल्लाह से जिस पर तुम्हें ईमान है प्यारे बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अल्लाह पर ईमान रखते हैं कि वो हमारा मौला है हमारा खालिक है हमारा मालिक है तो इसलिए हमें चाहिए कि हम रज़ हलाल ही खाएं और अल्लाह पाक से यही दुआ भी करते रहें कि अल्लाह पाक हमें रज़ हलाल ही अता फ़रमाए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चाय के नाजरीन आपने हमारा प्रोग्राम बच्चों और कुरान देखा होगा उम्मीद है आपको पसंद आया होगा नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए दीजिए हमें इजाजत जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व व बरकातहू प्यारा कुरान हमारा